ओम श्री साईनाथाय नमः। आप चाहे साईं से प्यार करो या ना करो, लेकिन आपका साईं आपसे पहले भी प्यार करता था, करता है, और आपके ना करने पर भी वो आपसे बेइंतहा प्यार करेगा। क्योंकि बच्चा अपनी माँ से गुस्सा कर सकता है, लेकिन माँ का प्यार कभी अपने बच्चों के लिए कम नहीं होता। माँ का प्यार अथाह है। इसी तरह जो बाबा से गुस्सा करते हैं हम लोग, वो भी वो प्यार में लेता है, क्योंकि उसको पता है कि आज मुझसे गुस्सा है, जब मैं इसके अच्छे दिन ला दूंगा तो ये फिर मुझसे प्यार करेगा। मालिक कभी गुस्सा नहीं होता, क्योंकि जिसने हमें बनाया है उसको ये भी पता है कि हम उस पर कब कब गुस्सा होने वाले हैं, इसलिए उससे कुछ नहीं छुपा। और आप सबसे मेरा यही कहना है कि कल बहुत लोग वैलेंटाइंस डे कोई किसी तरह मनाता है, कोई किसी तरह मनाता है। हम तो ये सोचते हैं कि हर दिन ही प्यार भरा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई दिल स्पेशल कुछ नहीं होता, है ना, सब एक बराबर होते हैं। हर दिन प्यार करो, हर दिन प्यार भरा जाएगा, पूरी ज़िंदगी प्यार भरी होनी चाहिए, है ना, कोई एक दिन स्पेशल नहीं होता। तो फिर भी सुबह सुबह उठकर सबसे पहले अपने बाबा का मुखड़ा देखिए, बाबा से प्यार से बात कीजिए। गुस्सा करो, गुस्सा अपनी जगह, प्यार अपनी जगह। बाबा का मुखड़ा देखकर कल हो सके, रोज हो सके, तो साईं को देखकर ही अपनी सुबह की शुरुआत किया करो। और उसके बाद 11 वचन पढ़कर अपने किसी भी काम को करोगे ना, बल्ले बल्ले हो जाएगी फिर तो। सो आज मेरा यही कहना था आपको, और बाबा की कृपा से हमारा हर दिन बाबा संभाल लेते हैं, हमारी गलतियां बाबा माफ़ कर देते हैं, इतना ही बहुत है मालिक। क्योंकि हमारे पास जो है, कुछ लोग तो वो पाने को भी तरसते हैं, इसलिए आपने जितना दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक। थैंक यू सो मच देवा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साईं शुभ रात्रि।